स्वागत है दोस्तों आप लोग का मोटर ट्रैक 24 पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लेके आया हूँ Hyundai की ग्रैंड आई-10 नियोस और आज हम इसका डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। ये एक हैचबैक कार है जो कि स्विफ्ट जैसी गाड़ियों को डायरेक्ट कंपटीशन देती है और ये आपको CNG मॉडल है। अगर आप एक CNG में हैचबैक देख रहे हैं तो ये ग्रैंड आई-10 नियोस का ये CNG वेरियंट आपके लिए लेके आए हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। इसकी वेरियंट्स की बात करें तो CNG में आपको सिर्फ दो वेरियंट मिलता है, मैगना और स्पोर्ट्स वेरियंट। ये ग्रैंड आई-10 नियोस का स्पोर्ट्स वेरिएंट है CNG के साथ मैनुअल में। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 8,23,000 पड़ जाता है एक शोरूम, और इस प्राइस में आपको ये वाला वेरिएंट क्या कुछ ऑफर करता है वो हम चेक करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको Hyundai की कोई भी गाड़ी लेना है तो आप DM Hyundai आ सकते हैं, आपके स्क्रीन पर डिटेल्स आ रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये गाड़ी आपको क्या क्या चीज़ ऑफर करती है। तो ये है ग्रैंड आई-10 नियोस का फ्रंट प्रोफाइल। शुरुआत करते हैं सेंटर से, तो यहाँ पे आपको सेंटर में Hyundai का लोगो मिल जाता है। उसके अलावा नीचे में आपको पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है इसके ग्रिल के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा एलिमेंट आपको दिखा रहा है, बहुत शाइनी अच्छा लगता है। उसके अलावा आपको इस वेरिएंट में प्रोजेक्टर हेडलाइट आ जाता है जो कि यहाँ तरफ दिया गया है, साथ ही आपको नीचे की तरफ यहाँ पर DRL भी मिल जाता है। बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रंट से ये गाड़ी देखने पर। साइड प्रोफाइल चेक कर लेते हैं, तो साइड में आपको यहाँ पे स्टाइल में आपको यहाँ पे व्हील्स मिल जाते हैं जो कि आपको एलॉयस के जैसा लगता है, लेकिन आप देख सकते हैं ये व्हील कवर लगा हुआ है। इसका टायर सेक्शन चेक कर लेते हैं, तो इसमें आपको 175/60R 15 इंच का टायर मिल जाता है जो कि सही है साइज। उसके अलावा इसका ORVM चेक करें तो यहीं पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बॉडी कलर में आपको ORVM मिल जाता है, साथ ही आपको बॉडी कलर में डोर हैंडल भी मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर रूफ रेल से दिया गया, बाकी इसका ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर सारा ब्लैकआउट है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये एक हैचबैक कार है, उस हिसाब से इसमें आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि काफ़ी इनफ है। यहाँ पे आपको ग्रैंड आई-10 का बैजिंग भी दिया गया। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, पीछे आपको ड्रम ही दिया गया है। बाकी गाड़ी का रियर प्रोफाइल चेकआउट कर लेते हैं, तो ये है ग्रैंड आई-10 नियोस स्पोर्ट्स का रियर प्रोफाइल। आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर स्पॉइलर दिया गया, यहाँ पे स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है। इस तरफ आप देख सकते हैं CNG का आपको यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। आपको इसमें रियर डिफॉगर आ जाता है, कोई वाइपर आपको नहीं मिल पाता। और इसका भी आपको पीछे का टेल लाइट देखने में लगता है कि कनेक्टिंग स्टाइल में है, लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं जलता है, सिर्फ आपको ये जलता है, ये आपको LED में मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्रैंड आई-10 नियोस का बैजिंग मिल जाता है, यहाँ पे Hyundai का आपको बैजिंग मिल जाता है, और इस वेरिएंट में आपको कैमरा भी यहाँ आ जाता है। बाकी इधर आपको स्पोर्ट्स का बैजिंग दिया गया है। उसके अलावा पीछे की तरफ आपको दो पार्किंग सेंसर मिल जाता है और इधर रिफ्लेक्टर दिया गया है। बाकी चेक कर लेते हैं इसका बूट, तो आपको कुछ इतना बड़ा यहाँ पर CNG स्प्लेंडर मिल जाता है 60 लीटर का। पार्शल ट्रे भी आपको यहाँ पे दिया गया है, उसके अलावा स्पेयर व्हील यहाँ अंदर की तरफ है, और यही कुछ आपको थोड़ा सा स्पेस यहाँ मिल जाता है CNG सिलेंडर के बाद, जो आप छोटा मोटा बैग यहाँ रख सकते हैं। तो दोस्तों यही है ग्रैंड आई-10 नियोस का रियर प्रोफाइल। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको गाड़ी अंदर से चेकआउट कराते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर जाने से पहले आपको इसका चाबी दिखा देते हैं। तो आपको दो ऐसा चाबी मिल जाता है, एक स्मार्ट की और एक ऐसे मैनुअल में ही मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे शुरुआत करते हैं इसके डोर से, तो आपको ड्यूल टोन कलर ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाता है, चारों आपको पावर विंडो का सीट मिल जाता है, और आप इसके मिरर को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फॉल दोनों कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप 1 लीटर का बोतल रख सकते हैं और कुछ स्टोरेज एरिया यहाँ दिया गया है। उसके अलावा इसका सीट्स देखें तो आपको यहाँ पे एयरबैग का बैजिंग मिल जाता है, कुछ इस तरह का आपको सीट मिलता है, काफ़ी सॉफ्ट सीट है, और आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। और इस साइड आप इसके ट्रैक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इधर से आप पेट्रोल और CNG में स्विच कर सकते हैं, और इधर से आप इसके हेडलाइट को लेवल कर सकते हैं। बाकी आप गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, तो आ गए हैं अब हम ग्रैंड आई-10 नियोस के अंदर। और सबसे पहले इसका शुरुआत करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से, तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। छोटा सा आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है डिजिटल फॉर्म में, आप इसमें आपको टायर प्रेशर का डिटेल दिखा रहा है, साथ ही कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाता है। उसके अलावा आपको फ्यूल, टाइम
और पीछे पैसेंजर सीट बेल्ट लगा है कि नहीं, ये सब का डिटेल आपको यहाँ पे आ जाता है। उसके अलावा इसका स्टीयरिंग व्हील देखें तो यहाँ पे आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाता है और इस साइड आप इसके MID को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ देखें तो आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाता है और इस साइड आपको नॉर्मल में ही वाइपर्स कंट्रोल मिल जाता है। बाकी इसका एडजस्टमेंट चेक करें तो आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। और इस साइड पर है तो आपको यहाँ पे 8 इंच का मेजर सिस्टम मिल जाता है टच स्क्रीन। बाकी आपको यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। हुंडई का टच काफ़ी अच्छा रहता है। आपको DRVM का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये फीचर्स आपको काम करता है कि जब आप गाड़ी चला रहे होंगे इसको एक्टिवेट कर दीजिएगा तो पीछे का भी आपको व्यू मिल जाएगा। बाकी नीचे का तरफ आपको यहाँ पे AC वेंट दिया गया है। उसके अलावा आपको मैनुअल में यहाँ AC मिल जाता है। यहाँ पर कुछ स्टोरेज एरिया दिया गया है। आपको एक Type-C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का यहाँ पावर आउटलेट मिल जाता है और एक USB Type-A पोर्ट मिल जाता है। बाकी इसका डैशबोर्ड भी आपको ड्यूल टोन कलर ऑप्शन में मिल जाता है। यहाँ पर कुछ स्टोरेज एरिया दिया गया और काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पर ग्लव बॉक्स एरिया मिल जाता है। कूलिंग का फीचर आपको यहाँ पर नहीं मिलता। बाकी ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ आपको वारंटी मिरर मिल जाता है और मैनुअल में DNA IRVM दिया गया और इस साइड आपको टिकट होल्डर दिया गया और इधर माइक आ जाता है। और ये है इसका 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। और पीछे की तरफ आपको यहाँ पे मैनुअल में हैंड ब्रेक मिल जाता है ब्लैक टिप के साथ और छोटा मोटा यहाँ पे स्टोरेज एरिया दिया गया। आप यहाँ एक लीटर का 2 कप होल्डर दिया गया, दोनों अलग अलग साइज का आपको मिल जाता है। तो दोस्तों यही है ग्रैंड एंट्रेंस न्योस का स्पोर्ट्स वेरिएंट का फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। चलिए अब गाड़ी के पीछे चलते हैं और आपको रियर सीटिंग का फर्स्ट चेक कराते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पे। उससे पहले आपको इसका डोर दिखा दें तो यहाँ भी आपको ड्यूल टोन कलर ऑप्शन मिल जाता है। पीछे भी आपको पावर विंडो स्विच मिल जाता है। 1 लीटर का बोतल स्टोरेज एरिया आपको यहाँ भी दिया गया है। उसके अलावा इसका रियर सीट चेक करें तो यहाँ पर आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। आपको कोई आर्मरेस्ट यहाँ नहीं दिया गया और ISOFIX चाइल्ड माउंट भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता। बाकी आपको 3 सीट बेल्ट यहाँ पे दिया गया और इसके सीट को आप पूरा 100% भी फोल्ड कर सकते हैं। अब बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर। तो हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर और यहाँ पे आप शुरुआत करें तो ऊपर में आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। इस साइड आपको यहाँ पे लैंप दिया गया है येलो कलर के साथ। इस साइड भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है कोट हुक के साथ। बाकी नीचे की तरफ फ्लोरिंग देखें तो बिल्कुल फ्लैट आपको मिलता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। और यहाँ पर आपको रियर AC वेंट भी मिल जाता है, एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया। बाकी इसका सीट आपको एकदम फ्लैट मिलता है पूरा और तो काफ़ी आराम से 3 लोग इसमें बैठ जाएंगे। और इसमें आपको लेग रूम दिखाएँ तो मेरा हाइट 5.6 है और ये सीट आगे की सीट मेरे हाइट के हिसाब से हम एडजस्ट किए हैं। उस हिसाब से देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमको लेग रूम मिल जा रहा है हैचबैक है उसके बाद भी। और आपको हेडरूम चेक कराएँ तो हेडरूम भी इतना मिल जा रहा है जो कि काफ़ी इनफ है। 6 फीट वाले लोग का भी दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी इनफ आपको हेडरूम मिल जा रहा है। और दोस्तों आपको पीछे से इसका फ्रंट डैशबोर्ड का लुक दिखाया तो कुछ आपको इस तरह से मिल जाता है। तो चलिए अब बाहर चलते हैं और आपको इसका इंजन स्पेसिफिकेशन चेक कराते हैं। और दोस्तों ये है ग्रैंड न्योस का 1.2 लीटर का पेट्रोल का CNG इंजन जो कि आपको CNG में पावर प्रोड्यूस करता है 69 PS का और 95.2 Nm का टॉर्क, 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। और आपको कुछ इस तरह का इसका इंजन बेड या मिल जाता है, आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको कोई भी इंसुलेशन नहीं दिया गया है क्योंकि Hyundai का इंजन काफ़ी रिफाइंड होता है। तब गाड़ी अंदर चलाइएगा तो आपको कोई भी इंजन का आवाज़ नहीं आने वाला है। और दोस्तों बात करें ग्रैंड न्योस का ये स्पोर्ट्स वेयर में आपको क्या क्या सेफ्टी फीचर मिल जाता है तो इसमें आपको 6 एयरबैग ABS विथ ABD टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम रियर पार्किंग सेंसर विथ कैमरा रियर डिफॉगर जैसे सेफ्टी फीचर्स आ जाते हैं। और बाकी आप अगर एक CNG गाड़ी देख रहे हैं तो आप ये ग्रैंड न्योस का ये वाला स्पोर्ट्स वैन का जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको फीचर्स भी अच्छा खासा मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम भी आ जाता है तो आपको बाहर से ज़्यादा कुछ लगवाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड करता है ये ग्रैंड न्योस का स्पोर्ट्स वैन CNG के साथ और प्राइस भी इसका काफ़ी कम्पिटिटिव है। तो आप जरूर से ये वाला ब्रांड चेकआउट कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वाला ब्रांड कैसा लगा आप लोग को। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।